आज 21 अगस्त 2020 है, भाद्रपद मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि तृतीया है, वार शुक्रवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य समय दक्षिणायन के अंदर है, वर्षा ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख एक है, मुहर्रम माह है और हिजरी सन 1441 है। तृतीया तिथि रात्रि में 11:03 तक है, उसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तरा फागुनी रात्रि में 9:29 तक, उसके उपरांत हस्त नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग सिद्धि दिन में 2:01 तक, उसके उपरांत साध्य योग आरंभ हो जाएगा। करण तैतिल दिन में 12:38 तक, उसके उपरांत गर्करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:05 पर और सूर्यास्त 6:55 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर भ्रमण देखें तो सूर्य सिंह राशि के अंदर जो उसकी स्वय राशि है, मंगल मेष राशि में जो उसकी स्वय राशि है, बुध सिंह राशि में जो अपने मित्र के घर की राशि के अंदर विराजमान है, बृहस्पति अपनी स्वय राशि धनु के अंदर, शुक्र मिथुन राशि के अंदर जो बुध की राशि है, शनि मकर राशि में जो उनकी स्वय राशि है, राहु मिथुन राशि में जो उनकी उच्च राशि है, केतु धनु राशि में जो उनकी उच्च राशि है और चंद्रमा कन्या राशि में जो बुध की राशि है के अंदर विराजमान है। आज रवि योग रात्रि में 9:29 से और हरितालिका तीज व्रत आज है, श्री वार है जयंती आज है और रोट तीज दिगंबर समुदाय की आज है और श्यामाचरण जयंती आज है। हिजरी सन 1442 प्रारंभ हो रहा है, मुस्लिम समुदाय का आज पहला दिन नए साल का है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:41 तक है। लाभ और अमृत चौघड़िया 7:41 से 10:54 तक है। जो भी आपको ऐसे कार्य जिनमें आपको लाभ और व्यवसायगत कुछ चिंतन करना हो, कुछ लेन देन करना हो, कुछ ऐसी स्थितियां जिनके अंदर आपको अपने लाभों को लेकर के बातचीत करनी है, व्यवसाय के लिए कुछ सौदे तय करने हैं, सौदे लिखवाने हैं, उसके लिए बहुत बेहतर समय ये हो सकता है। शुभ का चौघड़िया 12:30 से 2:06 तक है। तो मांगलिक कार्यों या कि ऐसे कार्य जिनके अंदर आप चाहते हैं किसके क्रम आगे बहुत अच्छे रहें और शुभ समाचार आपको मिलते रहें, तो यहाँ पर 12:30 से 2:06 के समय को आप काम में ले सकते हैं। चरका चौघड़िया 5:19 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। इसमें वे सभी कार्य जिनको आप पुनः पुनः करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कंटिन्यूटी बनी रहे, लगातार ये काम चलते रहें, तो वो चरके चौघड़ी में आप रख सकते हैं। राहुकाल वेला आज 10:30 से 12:00 तक है। जो लोग राहुकाल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो दूध या दूध से बनी चीजों का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ करेंगे, इससे राहुकाल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य और बुध सिंह राशि के अंदर है। ये सिंह राशि सूर्य की स्वय राशि है। इसके अंदर सूर्य के होने का अर्थ यह है कि वे सभी कार्य जिनको साहस चाहिए, वे सभी कार्य जिनके अंदर आप सोचते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी महसूस हो रही है, निश्चय करने में दुविधा होती है, प्लानिंग में कोई अगर आपको लगता है कि ये किसी भी प्रकार के विचारों के अंदर अगर कोई एक दृढ़ता की आवश्यकता है तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आप कोशिश करें, आप देखें कि सूर्य की स्वराशिस्त होने का कितना अच्छा प्रभाव आप जीवन के अंदर ले सकते हैं। तो आज वो ऊर्जा आपको उपलब्ध है, सूर्य स्वराशिस्त है, आप अपने कार्यों के अंदर कोई भी निश्चय करके आप आगे बढ़ेंगे, सूर्य की आपको वे सभी लोग जो जिन्हें ये लगता है कि उनको राजकीय कार्यों के अंदर अपने जॉब लेने हैं, सरकारी नौकरी लेनी है, वे सभी इस महीने का महत्वपूर्ण रूप से उपयोग कर सकते हैं। वे सभी लोग जो स्वास्थ्य की दृष्टि से कहीं ना कहीं समस्या में हों, सूर्य के सानिध्य में होकर के अपने स्वास्थ्य के अच्छे जो है प्रभाव की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा का आज बुध की राशि में होना कहीं ना कहीं आपको आपके व्यवसायगत कार्यों के लिए भी अच्छी ऊर्जा प्रदान कर रहा है। व्यवसाय में अगर आप किसी एक खास कार्य के ऊपर खास किन्हीं चीज़ों को एक ऑर्डर करने, अगले सीजन के लिए कुछ सामान लेने या धन की व्यवस्थाओं करने में अगर आप जुटे हुए हैं तो बहुत ही समझदारी से इस कार्य को करने की आवश्यकता है। ये एक बहुत न ज़्यादा न कम, बहुत बैलेंस से
अगर चले तो ही अपने लाभों को आप सुरक्षित रख पाएंगे। आप योजना बनाते समय इस बात का पूरा ख्याल रखें कि भविष्य में आपके पास पूंजीगत स्थितियां किस तरह की रहेंगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप चीज़ें पेमेंट संबंधी कुछ उलझनों का आपको सामना करना पड़े। राहु और शुक्र यहाँ पर बुध की दूसरी राशि के अंदर लगातार अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं, तो ऐसी कमिटमेंट्स जो जिन्हें पूरे करना जरूरी हो तो उसमें कहीं थोड़ा तनाव आ सकता है, तो बहुत समझ करके अपने कार्यों को करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत जीवन में भावनात्मक संबंधों में भी आपको अपने आसपास के लोगों, अपने जीवन साथी, प्रेम में या कहीं भी अपने शब्दों को बहुत समझ के कहना है। वही बोलें जो आप कर सकते हो, वही वादा करें जो आप पूरा कर सकते हो। कोई भी ऐसा वादा जो तात्कालिक भावनात्मक आपकी चीज़ों को पूरा कर रहा हो लेकिन भविष्य के अंदर वो आपके उलझन बन जाए, ऐसा कोई वादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। संभव हो तो अपने भावनात्मक संबंधों, प्रेम के अंदर यानी अपने जीवन साथी या किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो बहुत आपके निकटवर्ती है आपके संबंधों को, तो उनके साथ व्यवसाय को करते समय ट्रांसपेरेंसी बहुत रखने की आवश्यकता है। वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। बात करेंगे ब्रेक के बाद आपके सवालों की और राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आपका आने वाला दिन, इस पर चर्चा करेंगे, बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं, भेजा है विशा भाटी जी ने, इनका कहना है कि इनका जॉब और इनके भावनात्मक संबंध में अच्छी स्थिरता कब तक आएगी, कब तक इनका जॉब लगेगा और चीजें कब तक अच्छी होंगी। निश्चय ही आपको आपके पास बहुत सारा मुख्य बात जो है वो समझने की है कि बहुत टैलेंटेड है और बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको विशेषज्ञता हासिल है, लेकिन किसी एक खास चीज में आपको विशेषज्ञता बनाने के लिए कोशिश करनी है, तो एक चीज़ पर फोकस कर लें अपने आप को। बैंकिंग सेवा जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर अगर आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है ज़्यादा जल्दी आपको सफलता मिले, कोशिश करके देखिए। इसके अलावा अगर आप अपने संबंधों की बात करें तो एक चीज समझिए कि अपनी इम्पोर्टेंस जो है उसको थोड़ा एक बार कम करके साथी को अगर आप ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी स्थितियां तुरंत प्राप्त हो सकती हैं। आप चाहें तो पहली सबसे छोटी उंगली में मोती और पहली उंगली में पुखराज या सुनहला आप पहनते हैं तो ये आपको सही भावनात्मक एक जो आपकी जो संतुलन है वो आपके मन में आए, इसके लिए आपको बहुत अच्छी ऊर्जा देगा। साथ ही साथ ही आपके जॉब के लिए भी आप अच्छी मेहनत कर सकें और तुरंत सफलता प्राप्त कर सकें, इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण भूमिका इसमें भी अदा कर सकता है। तो आपको एक सबसे छोटी उंगली मोती और सबसे पहली उंगली में सुनहला या पुखराज पहन करके आप देखें आपका भविष्य उज्ज्वल हो, इसकी हम कामना करते हैं। आइए बात करते हैं पहले राशि मेष राशि की। अपने क्रोध और शब्दों पर नियंत्रण रखने का आपको प्रयास करना होगा, आवेश में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए आपको। अनायास हो जाने वाली घटनाएं आपके हित में नहीं होंगी तो बिल्कुल अपने आप को रोक करके रखें। यहां पर मंगल इस समय स्वराशिष्ट कहीं ना कहीं आपको समस्या में डाल सकता है। गोल्डन कलर आज आपको सूट कर रहा, नौ का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला। बात करते हैं वृष राशि की। कार्य क्षेत्र से दूर रहकर भी कार्य पर अपनी पकड़ बनाकर रखनी होगी आपको। अविश्वास जनित मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलने का यह समय है। शुक्र यहां पर राहु के साथ बैठे हैं तो ऊर्जा बहुत है आपके पास में, बहुत समझदारी से आपको काम करने की आवश्यकता है। तेजी से काम करके अपने कार्य भार को भविष्य के लिए कम करने की आप कोशिश करें। बहुत ज्यादा अपने ऊपर लोड लेने की स्थिति न आने दें। सिल्वर कलर आज आपको सूट कर रहा है, पांच का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि की। आर्थिक स्वावलंबन के लिए किए प्रयासों पर मिल रही प्रारंभिक चुनौतियां और सफलता दोनों का आनंददायी रहने वाली है, दोनों का आनंद आज आप ले सकते हैं। प्रेम संबंध आकर्षक के दौर से गुजरेंगे, ऐसी स्थिति आएगी जब आपको लगेगा कि कोई ना कोई इन्फेक्चुएशन जैसी चीज आपको महसूस हो रही है। नई योजनाओं पर परिवार से सहमति बना पाने में आप कामयाब होंगे और ये आपके लिए एक पहली सीढ़ी चढ़ने जैसा हो सकता है, जो लोग इस तरफ प्रयास रहते हैं उनके लिए। पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है, दो का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है मारवाड़ जंक्शन से राकेश सोलंकी जी ने हमें भेजा है।
इनका सवाल है इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी या क्या स्थिति रहने वाली। यस, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। आपकी जो डिटेल्स आपने हमें भेजी हैं 15/9/1988 ये वो डिटेल्स हैं जिनमें आप कोशिश आपको बहुत ही मार्जिनली हो सकता है आप अभी भी गवर्नमेंट जॉब में हो या बहुत निकट से कुछ चीज़ें आपके हाथ से छूटी हों, आपको ये मिलने की संभावना थी क्यों नहीं पूरी हुई। आप चाहें तो माणक पहन सकते हैं, सूर्य को नित्य अर्घ्य जल जो है एक नली वाले लोटे से जिसको गंगा सागर कहते हैं सर के से ऊंचा हो उसको उठा करके, और अगर आप नित्य वहाँ से जल देते हैं तो एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। एक मिनट से ज़्यादा देर तक अगर आप जल और सूर्य की किरणों के बीच में रहते हैं तो जल के अंदर से 7 रंगों में विभक्त एक मिनट बाद में ये स्थिति आती है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और वो हमें बहुत एनर्जी देता है। तो उस प्रकाश का ये एक सिद्धांत है, इसको कोशिश करके देखिए ये आपके लिए कितना लाभकारी हो सकता है। और निश्चय ही आप जो ये आपके जो स्थितियाँ हैं वो बता रही हैं कि आप बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ और बड़े कोशिश करने वाले व्यक्तियों के अंदर आपको देखते हैं। कई जीवन में चीज़ें रहीं जिनसे आप बार बार प्रभावित होते रहे होंगे, लेकिन आप आगे कोशिश करेंगे तो ये सफलता कहीं ना कहीं आपको मिल सकती है। कोई ना कोई एक अवसर ऐसा खड़ा है सामने जिसमें आप कोशिश करेंगे तो उस अवसर का लाभ आपको मिल भी सकता है। आइए बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि की। स्नेही जनों का प्रेम और प्रशंसा पाकर गौरवान्वित अनुभव करेंगे आप। दिन उपलब्धियों भरा रह सकता है। महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य आपको मिलने से बड़ा अच्छा महसूस करेंगे। आर्थिक समझौते आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका राशि स्वामी आज व्यवसाय की राशि के अंदर है, कुछ ना कुछ लाभ तो आपको मिलने वाला है। ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि की। परिवार के साथ सुखद क्षण आपको आज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आक्रामकता शांत हो ऐसे पसंदीदा काम करने का प्रयास करें। मित्र लोग आपके लिए काफ़ी मददगार सिद्ध हो सकते हैं, तो जो भी योजनाएं जो भी व्यवस्थाएं आप चाहते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं अपने मित्रों से आप बात करते रहें, आप देखेंगे कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए होता चला जाएगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहने की पूरी संभावना है। रेड कलर आज आपको सूट करा और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि की। परिवार के लिए अपने सुखों और संसाधनों में कटौती थोड़ी करनी होगी। थोड़ी व्यवस्थाएं ठीक से बनाने की आपको प्रयास करने का यह समय है। किसी ऐसे मामले में आपको बढ़त हासिल होगी जिसमें आप पहले से प्रयास करके छोड़ चुके हैं, तो ये वापस से एक प्रयासों में वापसी करने का यह समय है। प्रणय संबंध बेहद मधुर रहने की संभावना है। ऑफ व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये भेजा है हमें सपोटरा से, करौली से। इनकी डिटेल्स हैं 9/12/1993 और ये जानना चाहते हैं कि इनकी जॉब कब लगेगी। बिल्कुल आपके डिटेल्स में ये तय है कि आप बहुत मेहनती हैं, बड़े जिद्दी हैं, कोशिश में लग जाते हैं तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अपने अंदर आपको बैलेंस लाना होगा। चीज़ों की सही व्यवस्थाओं को समझना होगा। दूसरा, गुरुजनों और अपनी मेहनत, कोचिंग, इन सब के बीच एक सही संतुलन बनाना पड़ेगा। अपने आप को फोकस करना होगा, मानसिक शांति लानी होगी। उस इन सब चीज़ों को एक साथ करने पर थोड़ा आपको सफलता मिलने की संभावना दिखाई देती है। आप पन्ना पहने, इससे आपके शब्द अच्छे होंगे, आपका व्यवहार में थोड़ा एक संतुलन आएगा। और गुरुजनों के साथ कहाँ एक जगह टिक करके आप ठीक से मेहनत कर सकते हैं वो आप देखें। इन सब चीज़ों के मिलन को अगर एक जगह सही आपने उसमें बिठा लिया तो निश्चय ही 2023 एक ऐसा साल हो सकता है जिसमें आपको कुछ कोई अच्छी सफलता मिल जाए। छोटी सफलता तो आपके पास हो भी सकती थी, पिछले दिनों भी हो सकती थी, लेकिन वहाँ एक ठीक सी सफलता आपको मिल सकती है प्रयास करने पर। बात करते हैं तुला राशि की। जिस भी दिशा में प्रयास करेंगे सफलता के संयोग आसानी से तुला राशि वालों को मिलते चले जाएंगे। महिलाओं के साथ सहयोगात्मक कार्यों से अच्छा धन प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। नए कार्यों की जिम्मेदारी आगे बढ़कर लें, इससे आपके भविष्य की संभावना पर अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। ब्लू कलर आज आपको सूट करेगा, 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है।
वृश्चिक राशि की। मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रह सकते हैं वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि चीज़ें उस तरह हासिल नहीं हो पाएंगी जिस तरह आप चाहते थे। जहाँ से धन मिलना था वहाँ से हो रही देरी चिंता बढ़ा सकती है आपके, आपके कमिटमेंट थोड़े से तनाव में आ सकते हैं। भावनात्मक रूप से आनंदित रहने के योग हैं। ग्रे कलर आज आपको सूट करेगा और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं धनु राशि की। व्यर्थ के विवादों से अपने आप को दूर रख करके मानसिक शांति बनाए रखने के प्रयास करने होंगे। केतु के कारण कुछ सूचनाएं ऐसी हो सकती हैं जो आपको विचलित करें। बातचीत लोगों के साथ में बहुत धैर्यपूर्वक करें। पूरी गंभीरता और मनोयोग से अपने व्यवसाय के लिए कार्यों के लिए समय निकालें आप। परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। ग्रीन कलर आज आपको सूट करेगा और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं ओम प्रकाश सिंगारिया जी के सवाल की। ये चौमू से इन्होंने सवाल किया है और ये जानना चाहते हैं कि इनकी स्थितियाँ कब बेहतर होंगी जॉब को लेकर के और इमोशनल रिश्तों में भी। यहाँ 15/10/1993 इन्होंने हमें डिटेल भेजी है। निश्चय ही बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी है आपको और समय आपके पास अगर उम्र के हिसाब से देखें तो अब आपको बहुत गंभीर पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है। जब आप प्रयास शुरू करें ठीक से तब भी ठीक, एक चीज़ के ऊपर टिक करके आपको काम करने की आवश्यकता है पहली बात, और दूसरों की आलोचना या दूसरों में कमियां ढूंढना बिल्कुल बंद कर दें। अपने ऊपर फोकस करें। जो लोग आपके गुरुजन, आपके कोच, आपके माता पिता या जिसको भी आप समझदार मानते हो उनकी राय लें। क्या आपको बदलाव अपने कार्यप्रणाली में करनी चाहिए इस पर एक थोड़ा फोकस करें। चाहें तो पन्ना पहने, इससे आपको थोड़ा बदलाव तो आपकी चीज़ों में आएगा। और साथ ही साथ पन्ना के साथ में अगर दतला या स्फटिक आप पहनते हैं तो इससे आपकी भावनात्मक टिकाव, चीज़ों को देखने का नज़रिया और लोगों से मिलने वाली मदद, ये लाइनअप हो पाएगी और इससे आपकी जीवन बदलने की अच्छी संभावनाएं। अपने जो लुक है उसको साधारण और एक बिल्कुल व्यवस्थित करें, जो एक किसी खास कार्य को ठीक से करने की स्थितियां प्रदान करता हो। तो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस ना रहें, अपने कामों पे फोकस रखें अपना, तो ज़्यादा अच्छी स्थिति बहुत जल्दी पा लेंगे आप। बात करते हैं अगली राशि मकर राशि की। भविष्य की धन संबंधी चिंताओं के कारण तनाव में रह सकते हैं आप। व्यापारिक स्थितियों में अपेक्षाकृत सुधार रहेगा, लेकिन आपकी मनस्थिति सकारात्मक होना बहुत आवश्यक है। संतान का साथ सुकून देगा। मस्टर्ड कलर आज आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कुंभ राशि की। अधिकारियों से अपने मन की बात मनवा लेने के बाद पूरे मनोयोग से काम करने का यह समय रहे। फोकस होकर काम करें। व्यापारिक कामों में नए सहयोगी बनाएंगे तो उनके लाभों की जिम्मेदारी ना लें आप। प्रेम में साथी का सम्मान आपको मिलेगा। ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मीन राशि की। किसी शुभचिंतक पेरेंट्स या गुरुजनों की कोशिश से आपकी कार्यशैली में थोड़ा सुधार होगा, सहायता मिलेगी आपको। शिक्षा संबंधी प्रतिस्पर्धाओं में प्रदर्शन शानदार रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा आपको। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे सितारों के सितारों में। हम बात करेंगे आज अनुष्का शर्मा और इलियाना डिक्रूज की कुंडली की तुलनात्मक अध्ययन की। कहीं मत जाइए, बने रहिए भाग्य में। किस तरह की आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे।